ये हमारे रणवीर भैया, फेमस पर्सनालिटी ऑफ रावत भाटा। और ये हमारे कालिया। ये हमारे कालिया। देखिए दोस्तों, आज गर्मी की वजह से धूप में चल चल कर ये देखो नजर ही नहीं आ रहा, मतलब माथे पे कफन बांध कर माथे पे कफन बांधने वाले मोस्ट से नहीं डरते माथे पे कफन बांधने वाले मोस्ट से नहीं डरते। जाओ बेटा अब ले मेरी, जाओ बेटा अपनी जिंदगी। ये दोस्तों केकड़ा दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मोहित श्रीवास्तव आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो ये वीडियो है कलसिया महादेव की, जो कि रावत भाटा से 40 किलोमीटर दूर है। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुरी पाजी आज भी नहीं आए, आज ही वो बिजी है, और नीरज पाजी बाहर गए हुए हैं। तो दोस्तों आज मेरे साथ मेरे दोस्त फेमस पर्सनैलिटी रावत भाटा। On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out, Lamborghinis and they're raining hummus, the party's on so they're heading downtown, everybody's looking for a come up. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it, which is
trying to figure everything out. We don't fit in well, cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer. दोस्तों, ये आगरा गांव के जस्ट थोड़ी सी दूर आता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना। और ये वहाँ पर रास्ते में एक ऐसा बोर्ड आएगा जिस पर लिखा हुआ है कलसिया महादेव का रास्ता। ये आप देख सकते हो, उसमें एरो का निशान आ रहा है और एरो का निशान ये इस तरफ से आ रहा है। तो ये जो पगडंडी बनी हुई है, तो दोस्तों बाइक हम यहाँ खड़ी कर सकते हैं और मंजिल हमारी यहाँ आ चुकी है। और देखिए यहाँ पर ये जो एक झंडा दिख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर का, ये झंडा है, इससे पता चलता है कि ये रास्ता यहाँ जाता है। तो ये जो झंडा है इसके लेफ्ट साइड से ये रास्ता जा रहा है नीचे के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो रास्ता है यहाँ से लेकर चलेंगे आपको, और ध्यान रखना चलते वक्त आपका पैर वैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है पिछली वीडियो में मेरा एक दोस्त गिर गया था ऐसे। एक बार हम ऐसे आए थे। टेक केयर गाइस, वेरी डेंजरस प्लेस, वेरी डेंजरस प्लेस। तो गाइस यार, जो भी आए आप देख कर आए, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा आप देख ले। ये मैं पिछली बार जो आया था तो ये मैं बना के गया था, मैंने सोचा था ये बनाया था, मैंने सोचा था कि मैं अगली बार आऊंगा मुझे मिलता है नहीं मिलता है, मैं निशान के लिए मार्क करके गया था कि मैं, ताकि मेरे को रास्ता याद रहे। और दोस्तों देखो ये वैसे का वैसा बना हुआ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक दोस्त है, वो ऊपर से गिर गया था, मिला नहीं है ना, तो उनके साथ एक और था। तो दोस्तों वो मेरे को मिल चुके हैं, वो देखिए आप आगे बैठे हुए हैं। काफी साल हो गए इन्हें वैसे घूमे हुए। वो हम पिछली बार में आया था ना, तो ये क्या गिर गए थे, तो ये यहीं रह गए थे। और ये यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, और ये देख लो हम ही दोस्तों, हम वहाँ ढूंढ रहे हैं और ये पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों डर क्या के जीते, इसलिए माउंटेन ड्यू साथ लेके आना। ये हमारे रणवीर भैया, फेमस पर्सनालिटी ऑफ रावत भाटा। और ये हमारे कालिया, ये हमारे कालिया। देखिए दोस्तों आज गर्मी की वजह से धूप में चल चल कर ये देखो नजर ही नहीं आ रहा, मतलब माथे पे कफन बांध कर, माथे पे कफन बांधने वाले मोहसिन नहीं डरते, माथे पे कफन बांधने वाले मोहसिन नहीं डरते। क्या के निकल गई है गर्मी और आने वाली है ठंड। हमारे साथ एक हमारे दोस्त भविष्य मोहरे भी हैं, जिनसे आपको मिलाना चाहता हूं। रणवीर भैया, ये हमारे दोस्त भविष्य मोहरे, आप एक डायलॉग ना खेलते हो। We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. No looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know?
ये एक मंदिर है, तो मंदिर से अपन को इस रास्ते पे जाना है। तो ये है वो रास्ता, और ध्यान से आना यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे पैर वैर फिसलने का बहुत खतरा है, तो संभल कर आना। Lamborghinis and they're raining hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I'm loving. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well. Finally, this jagah ka hum wait kar rahe the. Ye wo jagah hai. और इसमें अंदर उतर के वहाँ जाना पड़ता है, उसमें मैन जो शिवलिंग है वो यहाँ का, उसके अंदर से वो अंदर एक गुफा है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं। तो ये यहाँ से साइड से ऐसे धीरे धीरे आना है आपको, और इस तरफ मत जाइएगा, इधर बहुत काफ़ी गहरा है और बहुत ज़्यादा गहरा है इधर, तो आपको साइड साइड से आना है। और ध्यान रखना कि आपके पैर स्लिप ना हो। और बरसात में दोस्तों ये एरिया काफ़ी डेंजर रहता है, तो देखना आप लोग, ये पूरा डूबा हुआ रहता है बरसात के टाइम पे। ये देखिए ये पानी ऐसे, ये झरना आता है ऐसे यहाँ से, और झरने के अंदर से हमको जाना पड़ता है दोस्तों। ये गया दोस्तों, ये गया, ये गया, ये रहिए दोस्तों। कट करो, नहीं नहीं चल रहा। तो दोस्तों आइए देखना पैर स्लिप होगा। हाँ तो दोस्तों ये है वो गुफा जिसके अंदर शिवलिंग है, और देखिए दोस्तों इस तरफ है हमारा झरना। ये देखिए दोस्तों ये झरना है, और इस झरने के अंदर है ये गुफा, और इस गुफा के अंदर है शिवलिंग। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अंदर। हर हर महादेव। आजा, मैं लाइक ऑन करता हूँ। आजा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं जो बात कर रहा था, इस झरने के अंदर ये गुफा है, और दोस्तों ये है हमारा शिवलिंग भोलेनाथ जी का। तो दर्शन कर सकते हैं आप लोग भी। देखिए कितनी एंटिक और यूनिक जगह है, और दोस्तों इस गुफा के अंदर चमगादड़ भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये देखो दोस्तों ये गुफा काफी अंदर तक जा रही है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत डीप है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा अंदर ना ले जाऊँ आपको, क्योंकि चमगादड़ है काफ़ी सारे, तो सुनिए ज़्यादा डीप नहीं जाते, क्या पता कोई सांप वगैरह हो, और इसीलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस गुफा के जो दो रास्ते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों ये एक, और ये यहाँ से निकलता है। और जिस रास्ते से मैं आया था वो ये है दोस्तों,
और ये गुफा काफी अंदर तक बहुत ज्यादा डीप है। और ये हमारा झरना, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त आए थे वो तेरा है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर से झरना गिरता है और ये झरने के अंदर है मंदिर। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट गुफा, अगर आपको ज्यादा अंदर जाना है तो मैंने बताया था वो तरफ से। दोस्तों, इसके अंदर नहाना तो मत, क्योंकि बहुत गहरा है ये। नहाना है तो आप वो कम पानी में नहा सकते हैं, पर इधर मत नहाना। और दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये जो धार्मिक स्थल है, प्लीज़ यार यहाँ पे ना ये कचरा वगैरह ना फैलाएं ज़्यादा। तो प्लीज़ यार आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये जो कचरा वगैरह इतना फैला रखा है तो कृपया करके ये कचरा ना करें। दोस्तों, ये मेरा पेट है, मैं एक दिन रोड से जा रहा था तो मुझे रोड पे मिला था, तो मैं इसको घर ले आया था। तो आज ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा आज इसको छोड़ देता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज इसको आज़ाद करने आया हूँ। माय फ्रेंड कीचू, जाओ बेटा आप। और यह बात आ जाएंगे, जाओ बेटा अब ले मेरी, जाओ बेटा मेरी अपनी जिंदगी for
you.